डेर निकल गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल KT95 ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। सो आप लोगों को ब्लॉग देखना पसंद नहीं है पर फिर भी देख दीजिए। हाँ, सो आज मैं जा रहा हूँ वेस्ट सिक्किम खेचेपेड़ी, क्योंकि आप लोगों को मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया है ना, नहीं दिखाया है। मतलब मेरा तो, मैं तो साल भर साल जाता हूँ, ईयरली जाता हूँ, पर फिर भी आप लोगों को है ना ब्लॉग में नहीं दिखाया है वो। सो दिखाता हूँ, शायद देखते हैं आज खेचेपेड़ी बाइक और जगह कोई भी हम लोग साइट सीइंग जाएंगे, लौटेंगे तो आज ही। पर फिर भी मुझे बहुत देर हुआ ना, क्योंकि सुबह सुबह नीचे रामपुर जाके वहाँ से थोड़ा छोटा सा शॉपिंग था। आज मेरा मामा का भी स्टाफ आ रहा था ना घर पे, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। अभी नामची में जाके मेरा चेन स्पोकेट चेंज करेंगे, ये जो चेन और स्पोकेट है ना, और उसके बाद डायरेक्ट खेचेपेड़ी के लिए। आपको कंग्रेचुलेशन है नया स्कूटी को लागे, ब्लॉक रेडी ल कति पर्यो ल कंग्रेचुलेसन। अब सबैले सबैले कंग्रेचुलेसन दिनुहोस् है, यता कति पर्यो ल वन नट ल खेचेपेड़ी जान्छ गरेको नि ब्लगिङ। अब अलिकति युट्युबको लागि त गर्नै पर्ने रहेछ। लस 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 गो गो लस। सो मेरी तरफ से हमारे काका जी को भी एकदम, अंकल को भी बधाई हो नया स्कूटी के लिए। सो निकलते हैं अभी। चलो धन्यवाद। अब नेक्स्ट टाइम से कन्फर्म करो। हाँ चलो निकलता हूँ, बहुत देर हो गया। अब धन्यवाद। हेमलेट पिसारी छौँ यहाँ साह्रै छिटो। अन्त मेरो अलिकति त्यही भन्दैछु त तपाईँलाई, तल गएको थियो त्यही भएर। त्यही हेर्नु त मैले चेन पोकेट चेन्ज गरिकन लिएर आएको, चेनहरू चेन्ज गरिकन लिएर आएको। जोरथाङ रोडमा पेट्रोल हाल्नु होस्, पेट्रोल छैन नि हाल्नु परेन अन्त किन पो भन्छ अन्त। पानीले त कुद्दैन है, पानीले त कुद्दैन है, अन्त तेल हाल्नुपर्छ भन्छ कि किन भन्छ त। ए जोरथाङके रास्ते से थोडा देर होता है ना, इसलिए हम लोग खिची डुंगरा के रास्ते से आया है। जब हम लोग पहले यहाँ पे आया था ना, ये रास्ते से नीचे से चलते थे। ये वाटर क्रॉस देख रहे हैं ना नीचे, अभी ऊपर से है ब्रिज से जाएंगे। मज़ा आता था नीचे से जाने में भी, क्योंकि वाटर क्रॉस का मजा अलग है ना। यहाँ स्विमिंग खेल आदम हो है। ओह स्विमिंग पूल छे ते हाई, मैं जो खोला में खेलने मजा आँच। एक दिन आने पर्व, एक दिन आने पर्व भाईस मिले। सो अभी मैं आज से एक साल पहले यहाँ पे ये रास्ते से जा रहा था ना, उस टाइम मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बोला था ना, धीरे धीरे करके गोप्रो लाऊंगा, ब्लॉगिंग इक्विपमेंट कंप्लीट करूँगा बोला ना। अब ये वही गोप्रो से हो रहा है जो कि मैंने आज से एक साल पहले बात किया था। सो धीरे धीरे मेरा सब चीज़ पूरा हो रहा है। आप लोगों की वजह से तो नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ये YouTube इनकम से तो नहीं है। सो बस YouTube के लिए ही है। यहाँ पे स्विमिंग पूल बना है। चलो अब डायरेक्टली हम लोग आगे रास्ते पे मिलते हैं।
अब यहाँ से बस ऊपर निकलते ही हाईवे मिलेगा और उसके बाद डायरेक्ट गेजिंग पे मिलते हैं आप लोगों से। सो वेलकम टू टाउन हॉल लेकशेप का, सिक्किम के आज तक सबसे लंबा टाउन हॉल। ये देखो राइडर्स, ग्रुप राइड ऐसा होना चाहिए ना तो ही मजा आएगा। सच में देखो ना कितना दिल ये सबका मन मिलके ही जा रहा है ना। हम लोग तो क्या छरपस्टा हो गया हमारा राइडर ग्रुप तो। चलो अभी हम लोग गेजिंग आ चुके हैं। मेन बाजार तो नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ये जो आधे रास्ते से ही लेफ्ट लेना है। यहाँ आगे से लेफ्ट लेंगे तो हम लोग जाएंगे वहाँ से पेलिंग के बाद रिम्बी के बाद खेचपीड़ी। चलो आगे रुक के थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। साथ में लाया था ना मैंने नहीं, वो दीदी ने लाया था। थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, बम दर्द कर रहा है। और गेजिंग बर्ड सेंचुरी के बाहर है। बर्ड सेंचुरी यहाँ पे आप लोग 1000 से ज़्यादा स्पीशीज देख सकते हैं वो बर्ड वगैरह को, क्योंकि यहाँ पे है ना शेट, ये रास्ते ने ना इतना जीना हराम कर दिया। ये देख लो, ये जो जाल ने कवर किया है ना वही है बर्ड सेंचुरी। हाँ ये जो दिख रहा है ना, अभी हम लोग पेलिंग के नीचे है। जस्ट हम लोग पेलिंग क्रॉस करके आया है। ये बम्पर भी है ना इतना दिख ही नहीं रहा है ना, मजा का है। अरे जगह मजा का बसेगा ये जगह है। ये मेली के भन्छ जस्तो लाग्यो यो जग्गा। ये जो रिवर के बगल में है ना घर वगैरह इतना अच्छा दिखता है। ये पानी सब वहाँ से कंचनजंगा माउंटेन है ना वहाँ से आ रहा है ये पानी सब। अंदर जा। यहाँ पे भी देखो जगह बहुत डेवलप हो रहा है। पहले कुछ नहीं था, एक दो घर था। लेफ्ट लिया तो खिचपिरी नीचे से आप लोग जा सकते हैं कंचनजंगा फॉल्स और एक जगह है युक्सम कैसा कुछ नीचे के रास्ते से ऊपर के रास्ते। चलो अभी हम लोग मेन रास्ते पकड़ गए खिचपिरी का। ठटेंगड़ा उड़े रहा है छाती में लागो। बाइक का सीट है ना, सीट कुशन चेंज करना पड़ेगा। बस 2 किलोमीटर यहाँ से। मुझे तो लगा वो गाड़ी का थोड़ा स्क्रैच मार देगा। नाउ फाइनली वी आर रीच खिचपिड़ी। सो वेलकम टू खिचपिड़ी आप सबको, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं।
अभी यहाँ पे ऊपर साइड बहुत स्टॉल वगैरह था, आउटपोस्ट था, वो भी उड़ा दिया। नहीं यहाँ ये आउटपोस्ट था ना, यहाँ पे पिज्जा भी बनाते हैं, हैंडमेड पिज्जा। ये दिख रहे ना ये आगे पे, पर छो भित्र जानु पाउँछ ल। हजुर अलगहरू छैन होइन, ए एकैचोटि हो दुइटै। हुन्छ जङ्गे जङ्गे हो मेरो नाम। ए अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो फाइनली वी आर हियर एट खिचीपुरी लेक। सो आप लोगों को मैं खिचीपुरी लेक का जो नज़ारा है वो आगे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि पास में जाके अभी मतलब आजकल वहाँ पे बैन किया है अंदर जाने में। तो अभी शायद रिनोवेशन चल रहा होगा, जो आगे जाने का एक रास्ता जैसा बनाया था ना वो। तो आप लोगों को हम लोग लेक के पीछे जगह से घूम के दिखाएंगे। सो वीडियो में बैठी ऐसी, हाँ नहीं अरे हम लोग ऊपर एक जगह जाने वाला है, वहाँ पे वहाँ से भी अच्छा दिखता है। सो वहाँ से भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो ग्रुप इतना संभावा का पेड़ का छाप जैसा दिखता है वहाँ से। हम लोग ये पीछे रास्ते से घूम के जाएंगे ये जो लेक के सामने, क्योंकि इतना दूर से आया है तो थोड़ा थोड़ा रूल तो तोड़ना बनता है ना। ब्रेक द रूल्स वो बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, वही है। छिटो आउनुहोस् ना, ऐसे हैंडसम हैंडसम दिख रहा था, मजाक कर रहा हूँ, हाँ मैं हैंडसम ही हूँ। चले अपने आपके ही तारीफ करना पड़ेगा ना। देखो पीछे ऐसा दिख रहा है, जोश में यहाँ तक तो आ गया, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है। मैं फाइनली यहाँ पे ये जो लेक देख रहे हैं ना यहाँ पे, अभी हमने वो बिस्किट नहीं लिया है ना, इसे मेला नहीं करना चाहिए ना। ये देखो मेला कर दिया छो पे। हम लोग इसे बुद्धिस्ट में अपने धर्म के हिसाब से छो कहते हैं ये लेक को। ये देख लीजिए, आई छू लानु ना, छू लानु ना, ना? ये हम लोग ज़्यादातर हमारे सिक्किम लोग इसको एक जल, ये जो आप लोग जल बोलते हैं ना, जल वैसा मानते हैं, मतलब होली वाटर। ये जो इसका एक कहानी भी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेक देख रहा है ना, लेक के अंदर एक गांव ही है, सब भर के है ना, गांव सब डूब गया है। क्योंकि ये जो मुझे यहाँ के गांव का एक दोस्त ने बताया था, जो कि ये जो पीछे ये पहाड़ है ना, उसके पीछे एक गांव है छोजो बोल के जगह नाम का गांव, उसका वहाँ का ही दोस्त ने बताया है, जो कि यहाँ पे ये जो लेक के अंदर एक गांव ही था। सब लोग है ना शाम को खाना साना खा के ना वो लोग बैठ रहे थे, तब उसी टाइम पे एक ऐसा जो थंडरिंग का जैसा आवाज़ आया, ऐसे बहुत डरावनी तरह से ना, ऐसे घटा घटा करके साइड ऐसे कुछ ऐसा साउंड आ गया रात के समय ना, ऐसे 5-6 बजे लगभग, मेरा इतना अनुमान है, शाम को इतना ही खाना खा के ना। तब एक वो जो मेन जो सुना था लड़का, वो तो भाग गया, मतलब वो तो भाग के है ना पेड़ पे चढ़ गया, और उसके बाद जो उसका बीबी था, उस वो गांव का एक सबसे बड़ा पेड़ था उस पे चढ़ गया ना, वो बीबी तो डर के मारे भाग गए ना। जब भाग के वो बीबी शायद यही कहीं ये जो ये लेक के अभी ये हम लोग जहाँ पे बैठा है ना, ये एक पहाड़ी जैसा है, उस टाइम पे वो जो उसका बीबी था भाग के यहाँ पे आके नीचे देखा था, उसका गाँव है ना सब
मतलब भर गया पानी से ना। अरे ऐसा ही कुछ कथा है, मतलब ये जो जगह का स्टोरी है, सो मैंने जितना मुझे पता है वो आप लोगों को बता दिया, क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट थे, वो भी मानते हैं ये जो गुरु पद्म संभव है ना, उसका जो पेड़ का है ना, लेक का मतलब छाप है, उसी के अंदर ये मतलब ये बना है लेक। सो आप लोगों को मैं वो जो एक व्यू पॉइंट जैसा दिख रहा है ना, वहाँ से दिखाऊँगा। सो वहाँ से दिखाऊंगा आप लोग को परफेक्ट है ना, ये जो पैर का छाप है ना, फिट जो नीचे उसका छाप दिखता है, राइट या लेफ्ट का है वो दिखाऊंगा ऊपर जाके। सो वीडियो में आखिर तक रहिए, आप लोगों को ये थोड़ा छोटा सा भी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, सो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैं आप लोगों को ऊपर जाके दिखाऊंगा, सो लेट्स गो। चलो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे वो व्यू पॉइंट बनाया ना, और वहाँ जाते जाते मैं एक चीज़ भूल गया, वहाँ पे एक जैसे केव जैसा भी है वो जगह पे, केव जैसा बड़ा तो नहीं है ना, एक छोटा सा केव है, मतलब दोनों का बात मिसा गया ना, एक छोटा सा केव है, उसके अंदर भी जो गुरु पद्म संभवा को पूजा करते हैं, सो वो भी दिखाऊँगा। और एक बात जो कि आप लोगों को खिंची पीते आया, ज़्यादातर लोग को पता नहीं होता है ना, यहाँ के लोकल को ही पता है, ये खिचीपुरी के जो एंट्रेंस है ना, वो एंट्रेंस के ऐसे ऐसे जाके घूम के ना, ऐसे ऐसे ऊपर आके, ऊपर एक डुफुक बोल के जगह है, वहाँ पे एक ऐसा पत्थर है बड़ा वाला, पर वहाँ पे जो पत्थर ही मारता है ना, वो पत्थर पे एक मेटल का साउंड आता है, सो वो जगह का नाम डुफुक बोलते हैं। पर मैं गया तो नहीं हूँ, एक बार गया हूँ, पर इतना बचपन में गया ना, छोटा था उस टाइम, मैं यहाँ पे खिचीपुरी पे 6 महीने 7 महीने यहीं पे रहा था ना, तो उस टाइम गया था, और शायद अभी तो अरसा बीत गए, सो लेट्स गो। सो यही है जो केक बोला था ना, डुफुक बोल के, अभी उसे भी छोटा सा कर दिया है कवर करके, ओहो मेरा जो बूट चिपलिंदा नहीं है, वन बाई वन, ओके यही है जो केव बोलते हैं ना, देखो गुरु पद्म संभवा का जो कि स्टैचू अंदर है, महिला को ले रहा था बाहर, तो महिला को ले रहा था, शिट कोई ऐसे नहीं आता बाटो सामने से जानो नहीं, अब तो चार पैर में चलने पड़ेंगे, ये देख लीजिए पीछे, ये जो देख रहे हैं ना, यही जो मैंने बोला आप लोगों को, आप लोग इंटरनेट पे भी गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, जो इसका ड्रोन से लिया हुआ शॉट, जो कि आप लोगों को है ना, जो नीचे फिट का शेप दिखता है ये लेक को, हम लोग अभी वहाँ से आया है, ये देख रहे हैं ना, ये जो एंड पॉइंट है ना यहाँ, वहाँ से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ब्लेस्ड फील हो रहा है सर। आप लोग मतलब आप इसके ये जो लेक के बारे में थोड़ा आप इंफॉर्मेशन जितना आपके पास है वो दे सकते हैं? नहीं, मेरे बोलने से पहले ही मेरा ब्रदर ने जो इंफॉर्मेशन था ना, थोड़ा बहुत वो दे चुका है, इसलिए मैं कुछ कहना। आई थिंक ही हैव नो वर्ड्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। सो ऊपर व्यू पॉइंट से ऐसा कुछ नज़र आए, सो आप लोगों को कैसा लगा? ये सब एक है ना बॉल, ये सब बॉल जैसे के शेप में है, ऐसे ये साइड से लेके ना, ये सब ऐसे आके इससे बैठा है ना। पे आके हम लोग लौट चुके हैं ऊपर व्यू पॉइंट से, सो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय शाय पी के निकलते हैं,
सो वीडियो में आखिर तक रहिए, चाहे आज हो सके तो हम लोग दूसरे जगह भी कवर करेंगे। सो बहुत बॉडी तो बहुत मतलब इतना टायर्ड फील हो रहा है ना, पर फिर भी तो देखते हैं कहीं थोड़ा एनर्जी हो गया तो दूसरी जगह भी कवर करेंगे। सो वीडियो में आखिर तक रहिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप लोगों को पता ही है। सो लेट्स गो। चलो अभी हम लोग खेचीपेरी से निकल के थोड़ा नीचे आके चाय पानी पी के, और अभी हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं राइड। अभी हम लोग पेलिंग में जाके वहाँ पे थोड़ा लंच वगैरह करेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। खाया नहीं मतलब कुछ खाया है बस कचर पचरी, ये जो जंक फूड वगैरह जो लिया था, कोल्ड ड्रिंक्स जंक फूड वगैरह वही खा के। सो यही तो एडवेंचर है। वहाँ कॉर्नरिंग में देखो ना, एक गियर निकल गया थोड़ा। अब ये गर्नुहोस् है, गियर माथि तानिनुहोस् न, अलिकति बाहिर तानेर गियर निकल गया। ल गियर सिफ्टर कुन चाहिँ हो उयाँ रहेछ। यसो हुँदैन, वहाँ पे थोडा कर्नरिङ किया था ना, ये गियर गियर को लग गया। बंद तो जाएगा पर फिर भी इसका यहाँ ना वो तो आए, मैं वही तो बोल रहा, आज बहुत वो हो रहा था ये गियर बहुत। मैंने सुबह भी बोला था ना आप लोगों को, गियर बहुत वो हो रहा था, इससे लगता नहीं। ये तो ऐसे बैठा ही था, मैं तो पहले बिहान भने ना है क्यों गियर पूरा चाम्रो होते भर अलग उतना ठोक दिन पर्यो। इसी से एउटा ढुङ्गा लिन्छ त ल, ये ना सुबह ये लोग गियर हिला रहा था ना, मैंने बोला ना आप लोगों को सुबह ये चेन स्पॉकेट चेंज करते समय ये लोग थोड़ा गियर टाइट हो गया था ना। ला छैन यो अलिकति खोलेर कस्नु मात्रै हो। गेट इन, वो तो गया। अब कहीं पे जाके ऊपर पेलिंग तो पहुंचने वाले है, पेलिंग के आसपास जाके। चलो पेलिंग तो आ चुके हैं, पेलिंग में आसपास गैरेज है तो वो खोल के थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ये बहुत वैसे भी जाम हो रहा है ना, ये मेरा गियर सुबह ये लोग ने बहुत हिलाया था ना, ये मेरा चेन जो था ना, चेन का जो चेन लॉक नहीं था मेरा ओल्ड जो पुराना चेंज का, चेंज करते समय वो चेन लॉक ही नहीं था, वो लोग काटने के लिए इधर उधर ठोक रहा था ना। चलो थैंक गॉड, थोड़ा आइडिया था पहले से ही मैं KTM के बारे में, तो इसीलिए नहीं तो मेरे लग गए थे आज। ए सुन्नुहोस् न, उयो के हुन्छ होला है खाजा, ल खाजा के हुन्छ होला? ए हुन्छ, आज मेरा बुटका हालत इतना खत्तम हो गएन, झन् अक्लोमा सजिलो पर्छ भनेर राखेको नारायण र प्रभुको खोजी बस्छ। मलाई मात्रै याद छ, मेरा गियर अटक रहा है फिर से। गैरेज आ गए, थोड़ा मरम्मत हमारा बाइक जी का। माथि अलिकति ट्रनिङ नकि ल, यसो नेप्पे भएर चाहिँ त्यो बक्क फुस्किएको नि, ढुङ्गाले ठोकिकन लिएर आएको नि। गियर अलिक चलो, अब मेरा गियर भी ठीक कर दिया, गियर भी ठीक हो गया। अब फटाफट घर की तरफ, मैं यहाँ नामची पे आई को ड्रॉप करके और
मैं भी चला जाऊंगा अपने गांव घर, मुझे बुला रही है। सो आज का ब्लॉग इतना ही था। सो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। प्लीज़ 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 थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, आप लोगों का ज़रूरत है मुझे। वाओ क्या डायलॉग मारा। थैंक यू।